जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मॉनिटरिंग रही, हमारे साथी मंत्री ने आपको सारी चीजें बताई। मैं महिला सशक्तिकरण की बात करना चाहती हूँ। आज पहली बार इस प्रदेश के अंदर राशन डीलर्स की दुकान में 30% महिलाओं का आरक्षण दिया, ये मैं समझती हूँ महिला सशक्तिकरण के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम रहेगा। हमारे विभाग के माध्यम से इंदिरा महिला शक्ति निधि 1000 करोड़ रुपए की महिला सशक्तिकरण के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने पहली बार, इसमें 100% अंशदान राजस्थान सरकार का है, यहाँ की महिलाओं को संगठित होने के लिए, कार्य करने के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनको कंप्यूटर एजुकेशन के लिए, उनको स्कूल एजुकेशन के लिए, अगर वो अपना लोन लेके बिजनेस करना चाहती तो उसके लिए 1 करोड़ रुपए तक का सब्सिडाइज लोन हमारा विभाग हमारी राजस्थान की महिलाओं को देना चाह रहा है। हम लोग उनको शिक्षित कर रहे हैं, व्यवसाय के लिए पैसा दे रहे हैं, उनको अपना एजुकेशन या कोई किसी भी प्रकार का उद्योग धंधा वो सीखना चाह रही है उसके लिए उनकी फीस के लिए पैसा दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की अभिलाषा है कि आने वाले वर्षों में राजस्थान में आधी आबादी जो हमारी महिलाएं हैं उनको पूरा अपना हक मिले, पूरा उनको मान सम्मान मिले और राजस्थान की महिलाएं सशक्तिकरण की इस दौड़ में अपने आप को मजबूती के साथ खड़ा हुआ पाए। हम लोगों ने पोषण वाटिकाएं लगाई और मैं राजस्थान सरकार की अगर बात करूं तो चाहे वृद्धावस्था पेंशन के अंदर हमने वृद्धि की है, चाहे नौजवानों की नौकरियों की बात रखी है, कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें 2 वर्षों के अंदर हमारी सरकार द्वारा कार्य नहीं किया गया। कोरोना जैसी महामारी को भी किस गंभीरता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 150 VC की होंगी सभी स्तर के लोगों के साथ में, और मैं उनके एक आह्वान पे राजस्थान की जनता ने, जो जब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोई भूखा नहीं सोए, धौलपुर के लोगों ने, खास तौर से धौलपुर के जिलों के लोगों ने बाहर के लोगों का जो ख्याल रखा, जो ध्यान रखा, जिन भामाशाहों ने आगे आके माइग्रेटेड लोगों के लिए मेहनत की, पूरी टीम ने, प्रशासन ने, उनको तो मैं आप लोगों के मीडिया बंधुओं के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि बहुत ही एक श्रेष्ठ कार्य उन्होंने किया कि जरूरतमंद लोगों की मदद की। हमारी सरकार लगभग हमारी जन घोषणा पत्र के 55% कार्य पूरे कर चुकी है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 3 वर्षों में, जो कि वित्तीय प्रबंधन हमारा बिल्कुल ठीक नहीं है, केंद्र का जो हिस्सा हमारा टैक्सेस का पैसा है, हमारा GST का पैसा है, वो भारत सरकार हमें नहीं दे रही है। आज 25 सांसद राजस्थान के अंदर जीत के गए हैं, 25 में से 25, और वो एक भी सांसद वहां जाके अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी की, अपने प्रदेश की हकों की बात नहीं करते, हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। आज हम सरकार में हैं, मैं मंत्री हूँ, हमारे साथी विधायक अपने क्षेत्र की समस्याएं लेके मुख्यमंत्री जी के पास जाते हैं, विकास के नए आयाम बताते हैं, अब वहां से पैसा लेकर आते हैं, डेवलपमेंट की स्कीमें पास कराते हैं, तो क्या हमारे सांसदों का ये दायित्व नहीं बनता कि प्रदेश के लिए अगर हमारे केंद्र सरकार हमारे टैक्स का हिस्सा का पैसा नहीं दे रही है तो सांसद लेकर आए, अपनी प्रदेश की जनता की मांग उठाए। एक मूक बधिर होके सिर्फ चुनाव जीतना, जनता को धोखा देके, प्रलोभन देके सत्ता में आना, ये भारतीय जनता पार्टी की एक रीति बन चुकी है। 15 लाख रुपए हर घर के अंदर पहुंचाने की जो बात है आप लोगों को याद होगी, आप लोगों ने भी, सभी मीडिया के साथियों ने पूरे देश के अंदर बहुत महिमा मंडित हुए थे उस समय प्रधानमंत्री जी की, घर घर 15 लाख पहुंचाएंगे, झूठी बातें करके इस सत्ता में आके लोगों को गुमराह करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जबकि हमारी सरकार जो कहती है हमारी कथनी और करनी में किसी प्रकार का अंतर नहीं है, हम जो कहेंगे वो करेंगे। जन घोषणा पत्र जो हमारा पार्टी का घोषणा पत्र था, जैसे ही हम सरकार में आए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे जन घोषणा पत्र को सरकारी दस्तावेज का रूप देने का प्रयास किया, अक्षर अक्षर उसके कार्यों को पूरा करने का हमारी ब्यूरोक्रेसी को निर्देश दिए, और मैं समझती हूँ मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में ब्यूरोक्रेसी और डेमोक्रेसी दोनों सिस्टम पूरी कारगरता से कार्य कर रहे हैं और प्रदेश की खुशहाली और प्रदेश की तरक्की और उन्नति के लिए मेहनत कर रहे हैं। यही मैं कहना चाहूंगी, हमारे 2 साल जनता ने विश्वास और तरक्की के साथ में बिताए हैं और आने वाले समय भी राजस्थान अपने आप को और नई ऊंचाइयों पर स्थापित करेगा, मुख्यमंत्री जी का यही सपना है। धन्यवाद।